मेरठ में थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पड़ोस में रहने वाले फौजी के बेटे प्रशांत चौधरी ने 5 साल की बच्ची से रेप किया। इस बात की खबर माता पिता को हुई तो उन्होंने लहूलुहान बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, थाने पर भी जमकर बवाल काटा, साथ ही वाहनों को आग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंचे सीओ ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। लोगों ने जब कंप्लेंट किया कि छोटी बच्ची थी, उसके संग जो पड़ोसी लड़का है उसने उसके संग बलात्कार की घटना कारित की। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और पैरेंट प्राप्त हुई, हमको मुकदमा कायम किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। बताया जा रहा है कि प्रशांत पिता की मौत के बाद से दबंगी करने लगा, जिसके चलते उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन हर बार दरोगा मिठ्ठलाल की मदद से वो रिहा हो जाता था, जिसका नतीजा ये है कि उसने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। मेरठ से रजनीश चौहान की रिपोर्ट।